आठवां क्वेश्चन देखा जाए, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे जितने भी थे आपके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस कारण से ऊष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है? ऑप्शन ए, इसे ठीक प्रकार से साफ नहीं किया गया है तो बहुत गंदा ऑप्शन है। ऑप्शन बी, इसे अधिक समय तक गर्म किया गया है तो ये भी गंदा ऑप्शन है। और ऑप्शन सी, हवा में ठंडा किया जाएगा तो हवा में ठंडा करने पर कभी भी क्रैक नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन डी, इसे बहुत तेज़ी से ब्राइन में ठंडा किया गया है। होता क्या है दोस्तों, जब आप किसी पार्ट को गर्म करते हो और गर्म करने के बाद, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, किसी पार्ट को आप जब गर्म करते हो और गर्म करने के बाद उसको अगर जल्दी से ठंडा कर देते हो तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं दोस्तों, क्रैक जो है उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं और इसी वजह से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए तेज़ी से ठंडा नहीं किया जाता अत्यधिक गर्म करने पर। ठीक है, तो इसे बहुत तेज़ी से यदि हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर ठंडा करते हैं तो क्रैक आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन।